सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसी चीज़ का था बिकॉज़ ये इवेंट पहले बाड़मेर में कभी हुआ नहीं है। इवेंट तो बहुत अच्छा था, स्कूल में तो ऐसा, मेरे स्कूल में तो कभी ऐसे नहीं हुआ था, ये सब कुछ यहीं पे हो रहा है और ये बहुत बढ़िया है। इवेंट तो बहुत अच्छा था। क्या देखने को मिला, कैसा लगा यहाँ पे? मतलब हम सब ने घूमर किया था और मतलब खुशबू भाभी सा की वजह से हम सब लोग मिल सके, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं चाहती हूँ ये होता रहे, काफ़ी अच्छा था। अपने स्कूल के कल्चरल फंक्शन को देखे होंगे, हाँ हाँ, को बचाने के लिए जो कल्चरल, स्कूल में तो ऐसा, मेरे स्कूल में तो कभी ऐसे नहीं हुआ था, ये सब कुछ यहीं पे हो रहा है और ये बहुत बढ़िया है। हाँ, जब इन्विटेशन मिला था वो एक्साइटेड, क्योंकि आईसा ने बताया कि यहाँ बाड़मेर में ये कार्यक्रम होने वाला है एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम कि बाड़मेर में ये चीज़ हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो इसी चीज़ का था बिकॉज ये इवेंट पहले बाड़मेर में कभी हुआ नहीं था। और बहुत बहुत बधाई खुशबू भाई साहब को जो उन्होंने इसकी शुरुआत करी यहाँ पे, और ऐसे ही इवेंट्स आगे होते रहेंगे। और ये एक मौका है जिसमें हम बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं एंड सबसे बड़ी चीज़ है इसमें अच्छी पहचान हो जाती है, मिलना जुलना होता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, जो एज अ लेडी आई थिंक इट इज़ मस्ट। सो वेल डन खुशबू भाई साहब फॉर डूइंग ऑल दिस एंड उत्साह बहुत ज़्यादा है और सभी लेडीज़ बहुत ज़्यादा उत्साहित है इसको लेके। एंड अभी कार्यक्रम पूरा हुआ नहीं है बट ये है कि जितना कार्यक्रम हुआ है बहुत ही शानदार था और हम लोग सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं।